लोग आटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों, हम अपने जीवन के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी व्यवस्था नहीं कर सकते, ये हमारे गणतंत्र के आधार पर है। हमारे पास अगर पैसा भी है और रोटी अगर नहीं है, अगर हमारे पास पैसा है बिजली नहीं है, हमारे पास पैसा है मोबाइल का टावर नहीं है, हमारे पास पैसा है कपड़ा नहीं है। सोचिए कि गणतंत्र क्यों जरूरी है, गणतंत्र को बचाए रखना क्यों जरूरी है। एक सजीव उदाहरण है, इसीलिए उसका आप लोगों को, शायद छोटे हो आप लोग, भारतवर्ष में जब से आजाद हुआ है तब से लगातार गणतंत्र है, जबकि उस राष्ट्र में, पाकिस्तान उसका नाम है, उसमें 3/4 समय मिलिट्री शासन रहा है, गणतंत्र रुक गया। वहां पर भी वही व्यवस्था है जो हमारे यहाँ है, लेकिन अनवरत नहीं। लोगों की व्यक्तिगत अपेक्षाएं, व्यक्तिगत सुविधाएं, जिसके कारण राष्ट्र खोखला हो गया। अगर आपको हम थोड़े शब्दों में एक उदाहरण से समझाएं कि अगर हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लेकिन हम अपनी आय के लिए चिंतित नहीं हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी जमा पूंजी खाना शुरू कर देंगे और थोड़ा समय ऐसा आएगा कि हमारे घर में ऐसी संसाधन नहीं होंगे कि हम आगे का जीवन जी सकें। यही अवस्था आ जाती है। इसलिए हम लोग इस गणतंत्र पर्व को सफल, सजीव और चिर निरंतर तभी बना सकते हैं जब हम इस गणतंत्र को मजबूत करें, और इस गणतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें गणतंत्र द्वारा जो भी कानून है, जो भी व्यवस्था है, उसको सहयोग देना है और उसके आधार पर चलना है। विद्यालय है, यहां पर आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए आना होता है, आपको विद्यालय में शिक्षक पूरे दिन समय पार करता रहे, कोई भी अक्षर न पढ़ाए, पूरा समय खराब करें और आज बाद में आपका जीवन नष्ट कर दे, आप इस गणतंत्र के लिए सहयोगी नहीं बन सकते। तो गणतंत्र का ही मतलब है हर इकाई को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। हम लोग संविधान जो आज के 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, हम लोग उस संविधान के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन। कौन करेगा? आप सभी बच्चों को मालूम है कि राइट टू एजुकेशन सभी बच्चों को है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार कर्तव्यों के साथ जुड़ा हुआ है। आपका कर्तव्य भी है कि आप जितना समय है उस समय को सही समय के अनुसार प्रयोग करें। गणतंत्र कोई मशीन नहीं है, गणतंत्र कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, गणतंत्र कोई ताना बाना नहीं, हम सब गणतंत्र के हिस्से हैं। भारत एक गणराज्य है, राज्यों का समूह है, इसको अंग्रेजी में फेडरल रिपब्लिक कहते हैं, और उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं, जो बड़े बच्चे समझ सकते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनाव के द्वारा राज्यसभा या लोकसभा उनको चुनते हैं, वही प्रतिनिधि हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए
कानून बनाते हैं और उन कानून को लागू करने के लिए हमारी कार्यपालिका में आईएएस सचिव सेक्रेटरी ये सब लोग होते हैं, वो यहीं से जाते हैं। ये मत समझिए कि कोई विधायक चला गया वो व्यवस्था को चलाता है। विधायक विधायिका के द्वारा, सांसद लोकसभा के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा केवल कानून बनाता है और उन कानून को लागू कौन करता है? हम सब जो नौकरी करते हैं, कोई एसडीएम बन गया, कोई डीएम बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई ग्राम सभा का ग्राम विकास अधिकारी बन गया, कोई सीडीओ बन गया, आप सब लोग अच्छा पढ़ेंगे, इन पदों पर जाएंगे और विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून को सही तरीके से लागू करेंगे, तभी यह गणतंत्र मजबूत होगा। हम लोग पिछले दो वर्षों से एक महामारी से जूझ रहे हैं, हम लोग गणतंत्र पर्व भी नहीं मना पाए। ये दो वर्ष के पश्चात तीसरा गणतंत्र है जो हम आपसे बात कर रहे हैं, दो गणतंत्र पर तो बात नहीं कर पाए। ऐसी अवस्था में जब ये महामारी का पूरी तरह से चारों तरफ भयावह स्थिति थी, हमारे गणतंत्र की शक्ति है उसने लोगों तक खाना पहुंचाया और यही गणतंत्र है। हमारे तक भोजन पहुंचा, हम जीवित रहे। सरकार ने गणतंत्र के द्वारा, सरकार ही मुख्य प्रधानमंत्री